बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ आज वीडियो करते हैं शुरू। तो मेरे साथ बैठी है फातिमा और हम जो हैं अभी आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी मगरब के टाइम व्लॉग शुरू कर रहा हूं। तो आज हम हॉस्पिटल में हैं, तकरीबन 3 बजे के करीब आए थे हम, और आते ही यानी कि वो दाखिल कर लिया उन्होंने फातिमा की मम्मा को। तो तकरीबन रात का 8 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, बोल रहे थे कि 8 बजे तक केस वगैरह डिलीवरी वगैरह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें प्लीज़। और हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, मैं इस वक्त बाहर बैठा हूँ हॉस्पिटल की वेटिंग रूम में, बाहर सेन में। तो मेरे साथ अभी फातिमा है और फातिमा को अभी लगी है भूख, तो इसका फीडर तो मैं लेके आया था घर से, अभी यहाँ पे जाते हैं होटल पे, वहाँ से दूध लेते हैं और फातिमा को दूध पिलाते हैं। तो फातिमा पुत्र, तू की करना इतने होटल अस्पताल से ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਮੰਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੋ ਯੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਯੇ ਉਸਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਯੇ ਇੰਟਰੈਂਸ ਕਾ ਗੇਟ ਹੈ ਵੋ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਇਧਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪੀਛੇ ਵੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਪੂਰਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਹਮ आए हैं जी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत की है, अल्लाह ताला की रहमत हुई है और मेरे घर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेटी अदा की है। ये फातिमा है, अभी सोकर उठी है मेरा बेटा, और अभी हम बस घर की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है, बहुत ही प्यारी सुबह हुई है माशाल्लाह से। और हम जो हैं कल रात को तकरीबन 11 से 12 बजे के करीब हम आ गए थे घर पे। तो आज बाज़ार भी जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है, बेबी के लिए कपड़े लेने हैं और कुछ और ज़रूरी सामान है। तो आज बाज़ार जाएंगे और आपको बेबी भी दिखाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत हुई है, बहुत बहुत शुक्र। जी तो अभी हम आए हैं दरबार शरीफ पर, सुबह मैं गया था बाज़ार पे, बाज़ार गया था नए बेबी के लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए और कुछ और सामान था उसका, तो कुछ साबुन वगैरह या इस तरह का कुछ और सामान था छोटा छोटा बेबी के लिए, वो लेके आया। तो बहुत रात की थकावट थी, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही, बहुत थकावट हो गई थी कल रात की, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा आराम किया, बिल्ली आ जा जा जा, खाना खाया। बिल्ली 3:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी दरबार शरीफ की तरफ निकला हूँ और मेरे साथ दोनों आ गई हैं, ये फातिमा और माहम। तो ये छोटा बेबी, अभी उसको आज भी नहलाकर नया सूट पहनाया है, तो वो माशाल्लाह घर पे अभी सो रहा है, वो अभी तो सोता ही रहेगा 3-4 दिन, तो फिर बाद में तंग करना शुरू करेगा। तो ये मेहंदी दिखा रही है, हाथ पे मेहंदी लगाई हुई है माहम ने, मेहंदी की लगाया हुआ मेहंदी लगाई, हाँ जी कहने लगाई मैं
मम्मा ने लगाई। अच्छा फातिमा इधर आ जाओ, की कर रहे हो? नहीं पट दे पोते, इन्हों नहीं पट्टी था। तो फातिमा वो देखें खेल रही है, ये पीछे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गंदम बहुत तेज़ी से आई है, और कई किसी किसी के तो खेतों में ना वो सिक्टा निकलना भी शुरू हो गया है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरब हो गई है, चाँद निकला हुआ है देखें पीछे जी। तो मैं अभी कमरे में आ गया हूँ, अभी लाइट है। तो आज माशाल्लाह दिन बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा, बाज़ार भी गया और घर पे भी थकावट बहुत थी, तो आराम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी तो सुबह जाएंगे इंशाल्लाह शॉप पे। तो वीडियो को अच्छी लगे तो यहीं पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें, अपनों के साथ रहें, अपनों को खुश रखें, दुआ में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।